महादेवंक ए नृत्यर मूलरे तांकर क्रोध नुह अपितु तांकर प्रसन्नता अछि। एहा व्यतीत आउ कोनसी सूचना पाई आपनकु उचित समय को प्रतीक्षा करबाक पड़िबो। धन्य शिव शंभु आपण धन्य आपणकर ए स्वरूप देखि हृदयर व्याकुलता तो शांत होगला परंतु कौतूहल एवं भी बाकी अच्छी। महादेव आपण मुखमंडल दिशुवा मंद हास्यू प्रतीत हो प्रतिमा सृजन पछरे किसी गुढ़ रहस्य अच्छी। तुम अवलोकन उचित पुत्र, वास्तवरे मु महादेवंकर अंश मारुतिंक आउ एक दिव्य लीलार आरंभ होउथवार देखुछि, जहार कल्पना मात्र कहीं मो हृदय प्रफुल्लित हे उठुछि। मारुतिंक दिव्य लीला कोन सेही भली किछि जे भली से किछि दिन पूर्वरु करिथिले, जेबे से साक्षात सूर्य देवंक ग्रास करि देइथिले। तापरे ही तो देवतांको आशीर्वादर फल स्वरूप मारुति केते केते अलौकिक शक्तिर स्वामी हेथिले, तेणु तांको हनुमान नाम मिलिला। मोर वज्र प्रहार रे तुमर हनुहाड़ क्षतिग्रस्त हेछि, सेई कारणरु ए संसार तुमको हनुमान नाम रे जानिबो। सूर्य देव केबे हेले भाबि नथिबे जे एभली एक बानर बालक तांकर अभिमान भांगी दे पारे। भविष्यतरे भी एमिति अनेक सुजोग आसिबो पुत्र, जेबे हनुमानंक शक्ति सामनारे बड़ बड़ अभिमानी नतमस्तक हेबा पाई विवश हेबे, किंतु प्रत्येक शक्ति सहित गोटे बड़ उत्तर दायित्व भी आसी थाए। आउ हनुमानंक सबुठु बड़ उत्तर दायित्व हबाकु जाउछि राम कार्य। राम कार्य दशानन रावण भली महाराक्षस सह शत्रुता करिबा पाई प्रभु रामंक दिव्य यात्रा रे साथी हेबा निमन्ते तांको धर्म कार्य रे सहायक हेबा पाई हनुमानंक आउ एक महाशक्तिर आवश्यकता पड़िबो। आउ एक महाशक्तिर आवश्यकता जे पुणी हनुमानंक जहाँको समस्त देवतांकर आशीर्वाद प्राप्त होईछि, किंतु से शक्ति कौन कहंतु तो परम पिता। ये ही तो सही महादेवंकर दोष दिव्य स्वरूप। ताहा के परि ब्रह्मदेव महादेवंकर ए दश स्वरूप मारुति को एकादश मुखी हनुमानंक स्वरूप प्रदान करबाकु जाउछि। आउ एहा हनुमानंकर सबुठारु विशाल आउ विश्व रूप हो। दशानन रावण सम्मुखरे एकादश मुखी हनुमान नारायण नारायण। रावण ए भ्रमरे अछि जे संसार रे एका से ही अछि दश शिरधारी जार सामना केहि भी करि पारिबेनि, किंतु से अभिमानी राक्षस को एहा ज्ञात नाही जे महादेव एबे स्वयं हनुमान को निजर दश दिव्य रूप प्रदान करी तांकु एकादश मुखी रूप दबाकु जाउछंती। अर्थात दशानन रावण ठुबे गोटे सिर अधिक हनुमानंक एकादश मुखी स्वरूप
ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହଲେଇଦେବ, ତାର ପାପ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର, ଏହି ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାରୁତିଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଅଲୌକିକ ଗାଥା ମାରୁତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗାଥା ମହାଦେବଙ୍କ ଅଲୌକିକ କଥା କୁନି ମାରୁତିଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ? ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯେବେ ଲୀଳା ରଚିଛନ୍ତି, ତାର ଉପାୟ ବି ଥିବ ପୁତ୍ର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। केवल जी सार्थक रे जी वाइप एबे डाउनलोड करंतु।